नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपका रिश्ता खत्म होने की कगार पे है? शादी टूटने वाली है, वजह चाहे जो भी हो, रिश्ता जब खत्म होता है तो दुख दोनों को ही होता है। ये तो बस कहने की बात है, हमारे मन की बात है कि सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बस। कोई अपने दुख को जाहिर कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। कोई कोशिश करके उस दुख को ख़त्म कर लेता है और कोई उस दुख के साथ जीना सीख लेता है, बस इतना ही होता है। ऐसे में हमें पता है कि हमारा पार्टनर कैसा है। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन दुखों को ख़त्म करें, हम उन परेशानियों को ख़त्म करें जो दूरियां बीच में आ गई हैं, जिस वजह से रिश्ते टूटने लगे हैं, उस रिश्ते टूटने की वजह को ख़त्म करें। और आज मैं वो तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, उस टूटने की वजह को ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, अपने रिश्ते में प्यार को दोबारा जगा सकते हैं, दोबारा आप अपने रिश्ते में प्यार को पैदा कर सकते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि प्यार के बिना तो कुछ भी नहीं है। चाहे हमारी प्रेमिका है, हमारा प्रेमी है, रिश्ता कोई भी है, प्यार हर रिश्ते में होता है। और ये प्यार जब ख़त्म होता है तो दुख बहुत होता है। तो आज इसी दुख को ख़त्म करने के लिए हम आए हैं एक ऐसा उपाय लेकर जो बहुत ही अचूक है, बहुत ही सरल है। तो आइए बताते हैं कि सरल और अचूक उपाय। तुलसी के पत्ते से वशीकरण तो आपने सुना होगा, कि आपने सुना है कि तुलसी के डंडी से, तुलसी के पेड़ की जो ये डंडी होती है, टहनी ये होती है, इससे वशीकरण हो सकता है। आज इससे वशीकरण लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जो बहुत ही सरल है, बहुत ही प्रचंड है। तो आपको चाहिए तुलसी के पेड़ की जो डंडियाँ होती हैं वो चाहिए। इस तरीके से आपको ये देखिए 5 डंडियों की आवश्यकता होगी। अब इस डंडी का ध्यान रखिएगा, एक तो आपको खुद से नहीं तोड़ना, आपको किसी और से तोड़वाना है। किसी भी, कुछ भी आप उसे बोल के कि मुझे चाहिए, किसी भी तरह से कोई भी बहाना बना के तोड़वा लीजिए, फिर इसका प्रयोग कीजिए, इसको विधि को अपनाइए। उसके बाद जब आप ये तोड़ लेंगे तो आपको इसके साथ क्या चाहिए, आपको चाहिए थोड़ी सी, आपको रोली चाहिए, थोड़े से चावल चाहिए और आपको हल्दी की आवश्यकता होगी थोड़ी सी। अब आपको इसके साथ एक कलश की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, एक कागज़ की आवश्यकता होगी, एक स्टेपलर अगर आपके पास है तो वो भी ज़रूरी है इस विधि के लिए, वो भी आप अपने पास रखिएगा, एक लाल कपड़े की आवश्यकता होगी। आइए बताते हैं अब करना क्या है। आपको करना क्या है, आपको ये जो तुलसी की डंडियाँ हैं इन पर आपको इस तरह से रोली, चावल लगाना है और हल्दी भी लगानी है। जी हाँ, ये देखिए ऐसे आपने इनको रोली, चावल, हल्दी सब इस पे लगा लेना है और मंत्र का उच्चारण करना है। 11 बार आपको मंत्र का उच्चारण करना है ये सब लगाने के बाद। इसके बाद आपको एक धागे की मदद से इन सब को बांध लेना है। ध्यान रखिएगा सारी डंडियों को बांधना है एक एक करके, जैसे हम माला बनाते हैं इस तरीके से आपको इस डंडियों को बांध लेना है, इस तरीके से। जैसे एक डंडी मैंने बांध के आपको दिखाती हूँ, ऐसे आपको सभी डंडियों को, 5 डंडियों को एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर बांध लेना है। अब इस माला को लेकर आपने एक प्लेन पेपर लेना है, प्लेन पेपर पर आपको इस माला को स्टेपलर की मदद से चिपका देना है। जी हाँ, आप इसको फोल्ड करना है, आपने अच्छे से फोल्ड कीजिए बराबर साइज से, कि जो डंडियाँ हैं वो टूटे ना, बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। और आपको जो है वो मंत्र बोलते हुए ही ये सारा कार्य करना है, उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। और अब ये कागज़ आपको लाल कपड़े के अंदर बांध देना है। एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इस कागज़ को पूरी तरह से बांध दीजिए, ऐसे बांध कर एक जो कलश मैंने आपको बताया था, इस कलश में इसको डाल दीजिए। इस सारा कार्य मंत्र उच्चारण के अंदर ही करना है, 11 बार आपको मंत्र का उच्चारण करना है। जब आप ये कर लेंगे, बांध लेंगे, उसके बाद आपको ये इसमें डाल देना है। उसके बाद आपको कपूर की सहायता से, जी हाँ, कपूर की सहायता से आपको इसे जला देना है। ये पूरी तरह जल जाना चाहिए, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। पूरी तरह इसमें जो भी आपने सामान डाला है
कागज़ है, तुलसी की डंडियाँ हैं और जो लाल कपड़ा है जिसमें हमने बांधा है, ये पूरी तरह जल जाना चाहिए। इसके जलने के बाद जब ये जल जाएगा तो आपने इसकी राख को ले जाकर इस कलश के समेत आपने बहते हुए जल में प्रवाह कर देना है। बहते हुए जल में जब आप इसे प्रवाह कर देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपने जो मंत्र का उच्चारण किया था वो मंत्र कितना शक्तिशाली था, ये विधि कितनी ताकतवर थी कि आपका जो प्यार है वो आपके पास लौट आया है। आपकी शादी जो टूटने की कगार पे थी वो वापस से जुड़ गई है, वापस से आपके रिश्ते में प्यार दोबारा आ गया है। और ये सब सिर्फ तभी होगा जब आप सही तरीकों को अपनाएंगे। और ये तरीका जो आज मैंने आपको बताया, ये बहुत ही सरल और सटीक उपाय है। तो इस उपाय को अपनाइए, सही विधि को अपनाइए, ताकि आप अपने कार्य को पूर्ण कर सकें। बिना समय बर्बाद करें मंत्र प्राप्त कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, मंत्र प्राप्त कीजिए। वो आपको बताएंगे कि जो मंत्र है वो सही है। उस मंत्र को प्राप्त कीजिए। ग्रह और राशि के हिसाब से सबके मंत्र अलग अलग होते हैं, तो अपना ग्रह और राशि के हिसाब वाला मंत्र प्राप्त कीजिए। विधि के साथ मंत्र को जोड़िए और अपने आप को खुशहाल रखिए। कोई और समस्या, कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, गुरुजी से बात कीजिए, अपनी समस्या गुरुजी को बताइए और अपनी परेशानी का हल भी गुरुजी से फ़ोन पर ही लीजिए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी आपको बताएंगे किस तरह से आपने कार्य करना है, किस तरह से आपने खुद को खुश रखना है। जय माता दी।